हेलो ऑल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मटन की करी को कैसे बनाएं। इसके लिए हम लेते हैं तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च, छबीला और खड़ी लाल मिर्च। प्याज हमें ज़्यादा लेना है। मैंने 5 से 6 प्याज ली है, जिसे कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में मैं लेती हूँ अदरक और लहसुन, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। और साथ में हम लेते हैं खसखस। इसके बाद हम लेते हैं मटन। मटन को हमने अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। और लास्ट में हम लेते हैं एवरेस्ट का मीट मसाला पाउडर। अब सबसे पहले हम एक कुकर को गैस में रखते हैं। इसमें हम डालते हैं तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तेज़पत्ता, फिर हम इसमें डालते हैं खड़ी लाल मिर्च, ज़ीरा, खसखस, बड़ी इलायची, छबीला, और लौंग, गोल मिर्च और इलायची। इन सबको हम आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम तब तक चलाते हैं तेल में जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही प्याज जो है वो इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, हम इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अदरक और लहसुन को प्याज के साथ भून लेते हैं। अब डालते हैं हल्दी, धनिया पाउडर 3 से 4 चम्मच, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच नमक। जब ये सब मसाला भुन जाता है तब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मटन मसाला। इन सब मसालों को हमने देखिए अच्छे से भून लिया है। ये सब मसाले अब तेल छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं मटन को। मटन को ऐड करके हमें इसे अच्छे से भूनना है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। मटन को हमें तब तक भूनना है जब तक मटन का जो पानी है वो सूख ना जाए। जब मटन अच्छे से भून जाएगा तो वो इस तरह से तेल छोड़ देगा और जब मटन मसाले के साथ अच्छी तरीके से भुन जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद हम इसे कुकर को जो है सीटी में लगा देंगे। जैसे ही सीटी आए, एक सीटी, उसके बाद हम इसे कर देते हैं स्लो फ्लेम में और 15 से 20 मिनट हम इसे धीमी आंच में पका लेते हैं। तो मटन जो है वो पकने के बाद इस तरह से दिखाई देता है। अब आप इसे धनिया डाल के गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए और इस डिश को एंजॉय कीजिए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।